बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के नोएडा से जहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 8 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस यहां पर होंगी, क्योंकि नोएडा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि 8 नवंबर तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी। उसके बाद आगे देखा जाएगा कि प्रदूषण की स्थिति क्या है, फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी ये फैसला लिया गया है, खासकर छोटे बच्चे जिसमें अभी देखा जा रहा है कि खराब श्रेणी में है प्रदूषण, ऐसे में जो हवा की गुणवत्ता है उस पर जहर घुला हुआ है, जिससे कई तरह की परेशानियां लोगों को पेश आ रही हैं। इसी को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान का आरोप है कि ये मिसाइल उसकी हवाई सीमा से होते हुए प्रशांत महासागर। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सागर में गिरी और किम के बैलिस्टिक मिसाइल दागते ही जापान में खतरे का सायरन बज उठा। उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागे जाने की भनक लगते ही जापान की सरकार ने आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को घरों में ही